हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ गांगेन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस किस तरीके से डाउनलोड करते हैं। साथ ही दोस्तों जो आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, आपका डीएल नंबर होता है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है तो आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने आप से डाउनलोड कर सकते हैं विद फोटो। जिस ड्राइविंग लाइसेंस में आपका फोटो आता है दोस्तों, सारी चीजें आपको करके दिखाने वाला हूँ ड्राइविंग लाइसेंस किस तरीके से आप डाउनलोड करोगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे शुरू करते हैं। डाउनलोड करने के लिए सिंपल दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल सर्च बार में लिखना है परिवहन। देखिए परिवहन लिखते ही देखिए दोस्तों जो पहली वेबसाइट आई सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए डायरेक्ट आप परिवहन की जो वेबसाइट है उस पर आ जाओगे। तो सिंपल दोस्तों वेबसाइट पर आने के बाद आपको जो पोर्टल पे आ जाओगे, पोर्टल पर आने के बाद सिंपल ही आपको दिखेगा ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे यहां पे दिखेगा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज। सिंपल दोस्तों इस पर हम करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहां पर इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इधर अदर वाला ऑप्शन मिलता है, सिंपली इस अदर वाले ऑप्शन पे जाओगे तो इसके बाद जो फर्स्ट नंबर पर आता है सर्च रिलेटेड एप्लीकेशन, सिंपली दोस्तों इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके आगे ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों इसमें यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है आप किस प्रकार से अपना डाउनलोड करना चाहते हैं डीएल को, एप्लीकेशन नंबर से, एलएल नंबर से या फिर डीएल नंबर से। सिंपल दोस्तों हमें डीएल डाउनलोड करना है तो हम सिर्फ डीएल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो डीएल नंबर आपका वो यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है डीएल में वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। देखिए दोस्तों जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है इस तरीके से एंटर करनी है, यानी आपको ये माइनस जैसा चिन्ह ही लगाना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ पर एंटर करना होगा जैसा दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना डीएल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालने के बाद सबमिट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे आगे देखिए जो हमारी एप्लीकेशन की डिटेल है सारी डिटेल हमारे सामने आ जाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इधर आपको ही दिख रहा होगा सो फोटो एंड सिग्नेचर। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो जो आपका सिग्नेचर और फोटो लगा हुआ आपके डीएल में वो सिर्फ आपको शो होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा। लेकिन दोस्तों हमें करना है अपना डीएल डाउनलोड, तो सिंपली यहाँ पर दिख रहा होगा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। इस नंबर के ऊपर जैसे ही आप जाओगे ना या क्लिक करोगे तो उसके बाद देखिए जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है फोटो के साथ वैसा का वैसे ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आओगे तो आपको एक प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे देखिए आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से, नहीं तो आप इसको पीडीएफ में भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखिए बहुत आसान प्रोसेस था, आपने सीख भी लिया होगा। दोस्तों अगर सीख लिया और जान गए हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी थी। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि आप सबके लिए हम नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल वीडियोज लाते रहें। तो चलिए दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सब सके, बाय, जय हिंद।